ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर वैली स्कूल का एनुअल डे फंक्शन धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान छात्रों ने टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, कला और संस्कृति पर तैयार कई शानदार मॉडल प्रदर्शित किए। एग्जीबिशन में छात्रों की लगन और मेहनत से तैयार मॉडल्स में उम्दा क्रिएटिविटी ने सभी का मन मोह लिया। इन लेटेस्ट मॉडल में जहां छात्रों की उभरती प्रतिभा झलक रही थी, तो वहीं छात्रों को निखारने में टीचर्स की कड़ी मेहनत भी साफ नजर आ रही थी। एग्जीबिशन को देखने आए पेरेंट्स और गेस्ट ने छात्रों की प्रतिभा को तराशने के लिए ग्रेटर वैली स्कूल का धन्यवाद किया। ग्रेटर नोएडा के ग्रेटर वैली स्कूल में एनुअल डे मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने भारत की नई नई तकनीकों का मॉडल तैयार किया। छात्र छात्राओं के जरिए बनाए गए बेहतरीन मॉडल ने सभी का मन मोह लिया। हमने ये दिखाया कि पहले व्यापार करने के साधन नहीं होते थे, जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ है टेक्नोलॉजी की मदद से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने बनाया है न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। हमारा टॉपिक पावर प्लांट के ऊपर था, तो हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक्सप्लेन किया कैसे वो बना था एंड उसकी वर्किंग क्या है। प्रदर्शनी में भारत की टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और सामाजिक ताने बाने को मॉडल के जरिए दिखाया गया। इसरो के इंसेट से लेकर देश के आर्ट और कल्चर तक को छात्रों ने अपने अंदाज में मॉडल बनाकर समझाया। छात्रों के इस टैलेंट को मुख्य अतिथि पवन मंगल और यहां आए तमाम पेरेंट्स ने सराहा। बच्चों ने बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है और सबसे मेजर बात है कि हर फील्ड का यहाँ पे इन्होंने शो किया है। ग्रेटर वैली स्कूल के छात्रों ने तकनीक और एनवायरनमेंट से जुड़े मुद्दे का जो मॉडल तैयार किया, वो न सिर्फ यहाँ के छात्रों की प्रतिभा को दर्शाता है, बल्कि ग्रेटर वैली स्कूल के उस सराहनीय पहल को भी दिखाता है जो अपने छात्रों के ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा के स्तर को लगातार बढ़ाने में जुटा हुआ है।